एंड्रेस आ गई राजस्थानी खबरारो आ बुलेटिन पूरो है सा नमस्कार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक खेतर रा बैंक रा कामकाज ने करेला समीक्षा। बैठक में साइबर सुरक्षा रे साथ ही वित्तीय समावेशन जेडी योजना में माथे चर्चा होवारी संभावना। देश और प्रदेश में हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रही है रक्षाबंधन रो पावन त्योहार। बहना भाइयारी कलाइया माथे बांध रही है राखी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों ने दीनी शुभकामनाएं। राज्य सरकार रक्षाबंधन माथे महिलाओं ने दीनी सौगात। आज रात 12 बजे तक रोडवेज री बसा में कराई जा रही है मुक्त यात्रा। रक्षाबंधन रा पावन त्योहार माथे जयपुर माए वीरांगनामा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांधिया रक्षा सूत्र। मुख्यमंत्री वीरांगनामा ने शॉल श्रीफल मिठाई और सम्मान राशि भेंट कर दीनी शुभकामनाएं। अरे सावन महारा पांचवा और आखिरी सोमवार माथे आज शिवालय माए उमड़ी श्रद्धालुवारी भीड़। श्रद्धालु भगवान शिव री खास पूजा अर्चना कर रहा है जलाभिषेक। एंड्रेस आ गई राजस्थानी खबरारो आ बुलेटिन पूरो है सा नमस्कार। नमस्कार राजस्थानी खबरों में आपरो घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र शर्मा अरे अब खबर विगतवार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक खेतर रा बैंक रा कामकाज की समीक्षा करेला। बैठक में साइबर सुरक्षा रे साथ ही वित्तीय समावेशन जेडी योजना में माथे चर्चा होबारी संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। बैठक में पिछले एक साल में बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ साइबर सुरक्षा और बैंकों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही समीक्षा बैठक में वित्तीय समावेशन योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि पर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक में बैंकों के डिपॉजिट में वृद्धि, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो और एसेट क्वालिटी समेत कई वित्तीय स्थिति के प्रमुख मानकों पर फोकस रहेगा। बैठक में वित्त मंत्री के अलावा वित्त मंत्रालय के अधिकारी और सरकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारी भी शामिल होंगे। वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट के बाद ये पहली समीक्षा बैठक होगी। देश और प्रदेश में हर्षोल्लास रे साथ ही रक्षाबंधन रो पावन त्योहार मनायो जा रही है। बहना भाइयारी कलाइयां माथे रंग बिरंगी राखियां बांध रही है। भाई बहना ने उपहार देना वनारी रक्षा और हर स्थिति में साथ देवारो वचन दे रहा है। भाई बहनों के बीच विशेष प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधकर उनकी समृद्धि तथा स्वास्थ्य की कामना करते हैं। भाई भी बहनों को उपहार प्रदान करते हुए उनकी रक्षा और हर स्थिति में साथ देने का वचन देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासियों ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी है। वे अपना संदेश माए कया कि यो त्योहार भाई और बहन रो बीच अनूठो बंधन रो उत्सव है जो प्यार और आपसी विश्वास री भावना ने मजबूत करे है। वठे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षाबंधन ने मौके स्कूली टाबरा सू राखी बंधवाई। वे देशवासियों ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीनी। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अरे माथे कया के यो रक्षाबंधन रो पावन पर्व आप सबरा रिश्ता माए नई मिठास और जीवन माए सुख समृद्धि और सौभाग्य लेर आवे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, कहा है कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। भाई बहन के बीच प्रेम और आपसी विश्वास की भावना पर आधारित ये त्योहार सभी बहन बेटियों के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना का संचार करता है। मैं चाहूंगी कि इस पर्व के दिन सभी देशवासी हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा
और सम्मान को सुनिश्चित करने का संकल्प लें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि समस्त देशवासियों को भाई बहन के असीम स्नेह के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आप सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख समृद्धि एवं सौभाग्य लेकर आए। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े प्रदेशवासियों ने रक्षाबंधन त्यौहार की बधाई और शुभकामनाएं देनी है। वे कहा कि ये त्यौहार भाई बहनरा प्यार स्नेह कर्तव्य और दायित्व बीच रो प्रतीक है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी प्रदेशवासियों ने रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देनी है। मुख्यमंत्री आपरा संदेश में कहा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण लेर वचनबद्ध है। प्रदेश भर में आज भाई और बहन रो त्यौहार राखी बंधन मनायो जा रो है। रक्षाबंधन रो त्यौहार आज लेर बाजरा में राखियां रे साथे मिठाइयां और उपहारारी दुकान सजी हुई है। इन बार दुकाना माते रंग बिरंगी राखियां रे साथे पर्यावरण फ्रेंडली राखियां भी बहनारी पसंद बन रही है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और मिठाई खिलाती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहनों को रक्षा सूत्र बांधने पर उनकी रक्षा का वचन देते हैं और उपहार स्वरूप भेंट भी देते हैं। इस बार बाजारों में भी विभिन्न रंग और डिजाइनों और पर्यावरण फ्रेंडली गोबर से बनी राखियां बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस बार हमारे पास राखियों का कलेक्शन हर साल से काफ़ी डिफरेंट है, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग वेराइटियाँ है, जिसमें हमारे पास कुंदन की है, स्टोन्स है, जड़जोजी वर्क में आती है, जो कलकत्ता की बूटी वगैरह, रेशम्स है, रेशम के अंदर है, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के पैटर्न्स हम लोग हर साल अलग अलग तरह की वेराइटी पूरा कलेक्ट करने के अंदर रखते हैं। और इसके अलावा अपने पास में बच्चों में किड्स के अंदर, लेडीज़ के अंदर चूड़ा राखी है, सब तरह की सारी राखियां अवेलेबल है। परंपरागत रूप से मनाया जाने वाला यह त्यौहार भारतीय संस्कृति के प्यार स्नेह के अटूट संबंधों को भी दर्शाता है। जहां बहनें और भाई चाहे कितनी दूरी पर भी निवास करते हों, परंतु इस दिन विवाहित बहनें अपने पीहर जाकर भाइयों को राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन पर राखी बांधते हैं अपने भाइयों के लिए, सब खुशी खुशी अपने भाइयों के लिए राखी लेके जा रहे हैं। आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, खुशी का त्यौहार है, सब लोग, आज छुट्टी भी थी बच्चों की, तो सब लोग राखी बांधने के लिए खरीदने आए हैं। अपने भाइयों के लिए राखी लेने में और उनकी कलाई पर बांधने में बहुत खुशी होगी, और ये त्यौहार साल में एक बार आता है और भाई बहन के प्यार को और बढ़ा के जाता है, और राखी कैसी भी हो अच्छी ही लगती है भाई को। तो ये साल भर में एक बार त्यौहार आता है, मुझे बहुत खुशी होती है भाइयों के लिए राखियों का, मतलब इतना सुंदर सुंदर कलेक्शन है यहाँ पे, तो मैं बहुत खुश हूँ। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। बहन भाई के प्रेम का ये त्यौहार जहाँ हमें आपसी रिश्तों को मधुर बनाने की प्रेरणा देता है, वहीं पर्यावरण फ्रेंडली राखी हमें पर्यावरण बचाने का संदेश भी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। झुंझुनू जिला में भी रक्षाबंधन रो त्यौहार हर्षोल्लास रे साथ ही मनायो जा रो है। बहना आपरा भाइयारी कलाइयां माथे राखी बांध रही है। वटई भाइयां कानीसू बहनारी रक्षा रा वचन रे साथ ही वणा ने उपहार भी दिया जा रहा है। झुंझुनू जिला रो नाम सेना में देश सेवा खातर मशहूर है। जिला रा कई सैनिक देशी रक्षा कर्तव्या आपरा प्राण न्यौछावर करया है। आज यहाँ शहीद सैनिक भाइयां ने भी वणारी बहना रक्षाबंधन माथे याद कर वन राखी बांध रही है। मेरे भाई दिलीप ठक्कर 2029 अगस्त को हमारे बीच से चले गए देश की सेवा करते हुए, लेकिन वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हर कारण पे, हर मौके पे हम उनको याद करते हैं। और रक्षाबंधन के दिन भी हम सबसे पहले उन्हें राखी बांध के फिर इस पावन पर्व की शुरुआत करते हैं। और सभी भाइयों के लिए हमारी गुड विशेष है, हमेशा वो देश की रक्षा करें और हमारा प्यार और आशीर्वाद उनके लिए बना रहे। आज रक्षाबंधन के दिन मैं मेरे भाई को यहाँ पे राखी बांधने आई हूँ। मेरा भाई दिलीप कुमार ठाकण
29 अगस्त सन 2000 में देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो मुझे बहुत ही गर्व है, अभिमान की बात है कि इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और मेरी एक राखी उन भाइयों के नाम भी है जो अभी देश के ऊपर सीमा पर अपनी सेवा दे रहे हैं। राजस्थान रोडवेज हर साल री तरिया इन बार भी रक्षाबंधन माथे महिलावां और बालिकावां ने बसा माए निशुल्क यात्रा री सौगात दीनी है। रोडवेज री CMD श्रेय अगुहा बताया कि महिलावां आज रात 12 बजे ताई रोडवेज री साधारण और एक्सप्रेस बसा माए मुफ्त यात्रा कर सकेली। इनके तहत रोडवेज री 3000 सूबी 32 बसा माए राजस्थान माए निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। रक्षाबंधन रे पावन त्यौहार माथे जयपुर माए मुख्यमंत्री निवास माथे वीरांगनामा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षा सूत्र बांध्या। इन मौके मुख्यमंत्री सगड़ी वीरांगनामा ने शॉल श्रीफल मिठाई अरे सम्मान स्वरूप राशि भेंट कर वणा ने शुभकामनावा दीनी। मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार रक्षाबंधन त्यौहार माथे वीरांगनामा ने सम्मान देबा खातर वणारा द्वार माथे पूगी है। इनके तहत प्रदेश भर री 1500 वीरांगनावा ने सम्मान स्वरूप 2100 रुपया और उपहार दिया जा रहा है। वे अधिकारियों ने सगड़ा उपखंड स्तर माथे हर महीना नियमित रूप से वीरांगनावा री समस्या री सुनवाई करवाना भी निर्देश दीना। आज सावण महारो पांचवा और आखिरी सोमवार है। प्रदेश भर रा शिवालय माए भगवान शिव री खास पूजा अर्चना करी जा रही है। इन्हीं कड़ी में जयपुर रा ताड़केश्वर और झारखंड महादेव मंदिर स्थापित न्यारा न्यारा शिवालय माए भगवान भोलेनाथ रा जलाभिषेक करयो जा रियो है। घनी संख्या माए श्रद्धालु बिलपत्र और पुष्प अर्पित कर सुख और समृद्धि री कामना कर रिया है। वठी कावड़िया नदी और सरोवरासु जल ल्यार भगवान शिव ने अर्पित कर रिया है। झुंझुनू जिला माए भी सावण रा आखिरी सोमवार माथे शिवालय माए सुवारे सी ही श्रद्धालु आरो तांतो लागेड़ो है। शहर रा बावलियारी बगीची और लावरेश्वर महादेव मंदिर समेत न्यारा न्यारा शिवालय माए लोग भगवान शिव रो जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर बिलपत्र अर्पित कर रिया है। आखिरी सोमवार माथे मंदिर माए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने देखता थका सुरक्षा रा खास इंतजाम कराया गया है। आज सावन का आखिरी सोमवार है, इसलिए भक्तों का सुबह से तांता लगा हुआ है। लोग पूजा अर्चना करके अपनी मन्नतें मांग रहे हैं और बिल्व पत्र से चढ़ाने से भगवान शंकर ज्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए लोग बिल्व पत्र की ज्यादा महत्व मानते हैं। राज्य सरकार आज सावन महीना रा आखिरी सोमवार ने देखता थका प्रदेश रा सगड़ा जिला माए शिव मंदिरा माथे कानून व्यवस्था ने लेर सगड़ी एहतियाती कदम उठाता थका अतिरिक्त सतर्कता बरतवारा निर्देश दीना है। इन बाबत पुलिस मुख्यालय सगड़ा पुलिस रेंज जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट और जिला पुलिस अधीक्षक ने शिवालय माए वहाँ के माथे श्रद्धालुओं की भीड़ ने देखता थका सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त करवाने कहो है। वटे पूरा प्रदेश में जलाभिषेक खातर शिवालय जावाड़ा कावड़ियारी सुरक्षा खातर भी पूरी तरह सतर्कता बरतवारा निर्देश दीना है। जोधपुर में 3 साल री मासूम बच्ची सू दुष्कर्म रा मामला में पुलिस आरोपी ने गिरफ्तार कर लेनी है। एडिशनल DCP लादूराम बताया कि आरोपी शराब पीवारो आदि है। पुलिस उनसू पूछताछ करवा में जुटी है। वे बताया कि वारदात पछे पुलिस आरोपी री तलाश शुरू कर देनी है। RSRA लागिया CCTV कैमरा री फुटेज में वणारी पिछाण कर वण गिरफ्तार भी कर लियो गयो है। जिस पर मैं मौके पर पहुंचा था, इस दौरान पुलिस थाना देवनगर शास्त्री नगर से भी जाता मौके पर पहुंच गया था और बच्ची को उमेद हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया था। मौके पर पहुंचने के बाद में मुलजिम अज्ञात होने से उसकी तलाश के लिए अलग अलग टीम गठित की और आसपास के लगभग 150 कैमरे चेक किए, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया जिसकी पहचान होने पर उसको शहर के भीतरी इलाके से दस्तयाब किया और उससे पूछताछ की गई है और
आगे जो भी कानून कार्रवाई होगी की जाएगी। अरे अब बुलेटिन री खास खबर एक बार फिर हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक खेतर रा बैंक रा कामकाज री करेला समीक्षा। बैठक में साइबर सुरक्षा रे साथ ही वित्तीय समावेशन जेडी योजना मा माथे चर्चा होवारी संभावना। देश और प्रदेश में हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रही है रक्षाबंधन रो पावन त्योहार। बहना भाइयारी कलाइया माथे बांध रही है राखी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रदेशवासिया ने दीनी शुभकामना। राज्य सरकार रक्षाबंधन माथे महिलावां ने दीनी सौगात। आज रात 12 बजे तई रोडवेज री बसा में कराई जा रही है मुक्त यात्रा। रक्षाबंधन रा पावन त्योहार माथे जयपुर माए वीरांगनामा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांधिया रक्षा सूत्र। मुख्यमंत्री वीरांगनामा ने शॉल श्रीफल मिठाई और सम्मान राशि भेंट कर दीनी शुभकामना। अरे सावन महारा पांचवा और आखिरी सोमवार माथे आज शिवालय माए उमड़ी श्रद्धालुवारी भीड़। श्रद्धालु भगवान शिवरी खास पूजा अर्चना कर रहा है जलाभिषेक। इंडेस आ गई राजस्थानी खबरों और बुलेटिन पूरा हो। नमस्कार।